चलिए बच्चों, चलिए अभी मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। किसी को आगे सभी लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए अब प्रॉपर्टीज कैसे यूज करना है आपको, इसको सॉल्व करना है और एक न्यूमेरिकल वैल्यूज लाना, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जो भी आपको सिंप्लीफाई। अच्छा, फोर ऑप्शन में आपको गिवन। तरीका क्या, पहला पहले आप क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज सिंप्लीफाई करना है तो प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा। देखिए पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था कि लॉग, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, आपको याद है ना, अपॉन में होगा तो सब्ट्रैक्शन में होगा, माइनस दो लॉग 13 प्लस दो लॉग 3। आगे देखिए 169 सबको पता है, 13 का स्क्वायर माइनस लॉग 9 3 का स्क्वायर माइनस टू लॉग 13 प्लस टू लॉग 3। अब ये 2 आगे आएगा, अभी मैंने आपको बताया था, अभी प्रॉपर्टी बताया था कि नहीं कि लॉग एम की पावर एन जो होता है वो एन लॉग एम होता है, उससे आप आगे आ जाएगा 2 लॉग 13 माइनस, अब ये 2 वैसे भी आगे आएगा, ठीक है, और ये तो ऐसे ही रहेगा लॉग 13 और प्लस 2 लॉग 3। अब ये प्लस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर चाहिए। फिर से देखिए लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस एन, फिर ये 13 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये 2 आगे और ये 2 आगे, तो ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, और ये लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम वाली प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डाउट है, बच्चे बताइए, डाउट है तो यस अदरवाइज नो, फटाफट रिप्लाई करिए। फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चे, देखो फिर समझो, आप देखो आप मेरे दिमाग में इस क्वेश्चन को एज ए स्टूडेंट क्या आता है कि यार इसको सिंप्लीफाई करना है, और 13 और 3 तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई वर्जन में है, हमको 169 13 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर फटाफट समझ में आया, और फिर देखा ये अपॉन में है, तो हमने पढ़ा था अभी कि लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, मैंने पहले भी बोला था, ठीक है ना, लॉग एम अपॉन तो लॉग एम माइनस लॉग एन, अब log m माइनस log n हो गया, अब ये 13 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो ये 2 आगे और ये 2 आगे, तो ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मतलब जितनी भी अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन एकदम को मेमोराइज होना चाहिए, और उन प्रॉपर्टी का यूज होगा बार बार, एक तो अपॉन वाला, एक अपॉन वाला माइनस में हो जाता है, और एक ये पावर जाएगा तो आगे आ जाएगा, आपको जब तक नहीं आएगा तब तक बताएंगे बच्चे। मैंने क्या बोला, इजी मॉडरेट एंड टफ, ये हमारा पैटर्न होगा इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन वाले क्लास में, मैथ्स की मुझे कुछ जल्दी नहीं है, जब तक बच्चे को नहीं समझ में आएगा, हाँ मुझे क्लास लेना है तो अगर आपको लगेगा मतलब हम स्लो चलेंगे तो थोड़ा और एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ये तो टेंशन है, ये तो यही बात है, और कुछ तो है नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन मैं चाहूंगा ट्राई सभी लोग करें, सभी लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है, लॉग 729 बेस 3 प्लस लॉग 216 बेस 6, ठीक है, और ये क्या हो गया 4 प्लस 16 माइनस 2 लॉग 4। चलिए ट्राई करिए सभी लोग, आंसर बता रहे हैं कि आप लोग बताएंगे क्या। बताओ 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 बताओ, ऑप्शन बताइएगा क्योंकि वो आपको लिखने में प्रॉब्लम होगा, ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे करके आप बताइएगा, ठीक है ना।
ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है स्क्रीन का, किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है स्क्रीन में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना कि नहीं दिख रहा है? चलिए ट्राई करिए सभी लोग। जैसे आप देख लीजिए आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम होगा बच्चे, इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी स्क्रीन के, ठीक है ना। लॉग थ्री की पावर ये क्या है, सिक्स प्लस, आंसर बताइए, आंसर बताइए सभी लोग। अब ये सिक्स, बताइए आंसर, किसी बच्चे का आंसर आया क्या? सिक्स प्लस थ्री प्लस फोर माइनस सिक्स नाइन, ये एट, ठीक है। तो नाइन बाई टू इज द आंसर, किसी बच्चे का नाइन बाई टू आंसर आया है क्या? किसी बच्चे का नाइन बाई टू आंसर आया है क्या? ठीक है, और किसी बच्चे का? एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, टेंशन ना लीजिए, स्टार्टिंग में धीरे धीरे आराम से सोचते रहिए। पांच आज आपको करना क्या है, पहला होमवर्क आपको तो होगा जो जो प्रॉपर्टी आज सिखाया हूं वो प्रॉपर्टी समझ उसको आपको मेमोराइज कर लेना, लर्न कर लेना। चलिए देखिए बच्चे, मैंने क्या किया, ये बेस थ्री है तो मैंने क्या सोचा कि 729 भी बेस थ्री के फॉर्म में बन जाएगा, तो मुझे तुरंत समझ में आया थ्री की पावर सिक्स होता है, तो लॉग 729 बेस थ्री मतलब लॉग थ्री की पावर सिक्स बेस थ्री, ठीक है। फिर ये 216 है तो मुझे लगा ये 16 की पावर 6 की पावर 3, तो log 6 की पावर 3 बेस 3 बेस 6, और ये 2 की पावर 4 16, और ये 4 की पावर 3, बाकी as it is। फिर आपको पता है कि log m की पावर n, n log m, तो मतलब ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा, ये जो पावर है आगे आ जाएगा, जो ये पावर है वो आगे आ जाएगा, और ये जो 3 पावर आगे आ जाएगा। अब एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली कुछ लोगों के आंसर इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, देखो लॉग एम बेस एन जो होता है, सर एक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं बना, मुझे पता था कि इसमें प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अभी प्रॉपर्टी अब देखना है ना हमें। लॉग एम बेस एम इक्वल टू वन, मतलब बेस वैल्यू और मेन वैल्यू, आर्गुमेंट और बेस वैल्यू अगर दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू वन होगी, प्रोवाइडेड एम डज नॉट इक्वल टू वन। ये एक और नया प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है। इसका एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग दो बेस दो इक्वल टू वन, लॉग थ्री बेस थ्री इक्वल टू वन। बस आपको ये जो वैल्यू है एम की वैल्यू वो वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब बेस वन पे डिफाइन नहीं होता है और कोई भी वैल्यू सेम है, लॉग 10 बेस 10 इक्वल टू 1, तो सबकी वैल्यू क्या होगी, वो 1 के इक्वल होगी। इसका मतलब हमने जो यहाँ पे स्टेप में आए, ये log 3 बेस 3 जो कि 1 के इक्वल है, तो 1 into 6 6, और log 6 बेस 6 1, 1 into 3 3, log 2 बेस 2 इक्वल टू 4, और log 4 बेस 4 इक्वल टू 1, तो इसीलिए आंसर 6 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 4 माइनस 6, 8 माइनस 6 2, तो 9 बाई 2 इज आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए देखो, अभी एक प्रॉपर्टी और सीख लिया हमने कि log m बेस m इक्वल टू वन, ठीक है ना। तो टोटल तीन चार प्रॉपर्टीज हो गई आज की, तो आपको याद रखना है m इक्वल टू, m डज नॉट इक्वल टू वन, m अगर वन होगा तो वो डिफाइन नहीं है, वो तो आप ऑलरेडी से जानते हो, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर टू, उसके पहले नहीं आया था, अब समझ में आ गया कि नहीं क्वेश्चन टू कैसे बनेगा? हाँ जी बताइए, क्वेश्चन टू अब समझ में आ गया? चलो, और एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो होमवर्क दूंगा उनको तो सॉल्व करना ही है, जो क्लास में करा रहा हूं उसको भी सॉल्व करना है घर पे,
तभी जाके आप अच्छे से परफेक्ट समझेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है ना बच्चे, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें होती हैं प्रॉपर्टीज को यूज करने में, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, डाउट है तो यू कैन आस्क मी, एनीबॉडी एनी डाउट। आर्यन बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, विराज, वेदांत, उदय, यस, सबको समझ में आ रहा है बातें? क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, लास्ट पार्ट फिर से समझ लीजिए, देखो फिर से पूरा समझ लीजिए। ये क्या बोला, 729, 3 की पावर 6, 216, 6 की पावर 3। अब एक डाउट आएगा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो 3 है ना, तो ये 3 की पावर ही कुछ होगा, तभी वो आगे आ जाएगा और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये मुझे सोचना पड़ेगा, और ये भी 6 की पावर ही 3 कुछ होगा, तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि 6 की पावर 3 है, ठीक है ना, ये पावर आगे आ जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अब फिर log 3, log 6, log base 2 एंड ये सब मेन वैल्यू सेम, बेस वैल्यू दोनों आर्ग्यूमेंट और बेस वैल्यू सेम है, इनकी वैल्यू 1-1 होती है क्योंकि बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आया चेतन, इसका आंसर कैसे आएगा? चेतन समझ में आ गया? हाँ जी बच्चे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर ना आए, आज नहीं आया, कल आप पूछिए, बिंदास पूछिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है, तो उसको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट करते जाएंगे, पहले क्वेश्चन करते जाइए, जो पढ़ा रहा हूं वो आप तैयार करते जाइए, बाकी रेस्ट ऑफ द माई ड्यूटी, ठीक है ना। लॉग यहाँ पे x इक्वल टू 1 की वैल्यू बतानी है, x इक्वल टू 1 की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, देखिए लॉग m अपॉन n, तो वो क्या होगा, लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है ना, लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई करिए सभी लोग थर्ड नंबर को। x अपॉन 2x माइनस 3 इक्वल टू 1। अब यहां पे एक क्वेश्चन देखिए, यहां पे ट्राई करिए, ठीक है, ट्राई करिए, ट्राई करिए, इसके बाद कैसे बनेगा, इसके बाद x की वैल्यू कैसे बनेगी, ट्राई करिए सभी लोग, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में थोड़ा एक चैलेंज तो होगा ही बच्चे, इनिशियली समझ में आया कि नहीं। अब एक बात बोलूं मैं, अगर आपको बोलूं कि यहाँ पे बेस क्या होगा, तो आप क्या आंसर करोगे, log x अपॉन 2x माइनस 3, ये log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि अगर कोई बेस नहीं गिवन है, तो आप कौन सा बेस का नाम लोगे, तो कहोगे सर जी 10 बेस है, क्योंकि आपने बोला था सर कि जब कोई बेस नहीं होता तो 10 बेस होता है, मैंने कहा एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए एक्सपोनेंट फॉर्म में, और एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे, आपको याद है कि 10 रेस टू 1, मतलब जो बेस है यहां लिखा, जो वैल्यू था वो यहां लिखा, और आर्गुमेंट के इक्वल हो जाता है, इंटर कन्वर्जन फर्स्ट स्लाइड में आपने पढ़ाया था मैंने, तो ये हो गया 10 रेस टू 1 इक्वल टू दिस 1, या दिस, अब ये कन्वर्जन तो आता है ना, पहले पढ़ाया था ना वो, तो 10 रेस टू 1 ये बेस अपॉन ये वैल्यू इक्वल टू दिस, अब ये 10 रेस टू 1 मतलब 10 इक्वल टू एक्स अपॉन 2x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10 2x माइनस 3 इक्वल टू x, अब ये क्या हो जाएगा 20x माइनस 30 इक्वल टू x, अब ये वेरिएबल एक साइड 20 माइनस x माइनस x इक्वल टू 30, तो 19x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 30 अपॉन 9, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए क्या किया मैंने, समझते रहिए, ठीक है ना। देखो बच्चे फिर से समझो, log x माइनस, मैं को एक बात है ना, बीइंग ए स्टूडेंट आपको दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि log दो वैल्यू है, सब्ट्रैक्शन है, तो अपॉन में हो जाएगा कटाकट, तुरंत सोचना चाहिए इस प्रॉपर्टी का, आपको याद आ जाए log m अपॉन n, log m माइनस log n, तो मैंने यहां किया। फिर मुझे चाहिए x वैल्यू, तो आई डोंट वॉन्ट log, so log I have to remove it, how I have remove it, by converting the exponent form, कैसे करते थे आपको पता होना चाहिए, so 10 raised to 1 equal to this much, cross multiply कर दिया x, तो वो कि step, हर concept आपको पता होना चाहिए, तब आप जाके question में use कर पाएंगे,
और यही मैं चाहता हूं, आराम से आप सॉल्व करो, आराम से प्रॉपर्टीज यूज करो, और जब डाउट है तो डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। अभी तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, इसीलिए बेसिक क्लास में लेके चलूंगा। मैंने कहा था बेसिक क्वेश्चन, फिर मॉडरेट क्वेश्चन एंड देन टफ क्वेश्चन, ठीक है ना। टफ कुछ भी नहीं लगेगा आपको, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। इतना ग्रिप बन जाएगा आपका, डाउट है तो यस, अदरवाइज नो, डाउट है तो यस अदरवाइज नो। अब ये आप मत कहिएगा कि 10 कैसे आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेस कुछ भी नहीं, तो 10 बेस होता है। सभी बच्चे को कुछ भी 1% भी डाउट है तो बिंदास होके मैसेज करो, सर जी दोबारा बताइए, ठीक है ना। तरीका नहीं बदलेगा बच्चे, आपने इतनी क्लासेस में देखा जिस तरह से मैं करता था, एक एक चीज समझाते हुए चलना, वही चीज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए बच्चे, 4 ट्राई करिए। ठीक है ना, 4th नंबर ट्राई करिए सभी लोग। ठीक है ना, और एक बात और बोलना है, कभी कभी आपकी क्लास में ऐसा होगा कि आपकी सिग्नल चला गया है, आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आपको आवाज ड्यू टू आपके लैग के कारण, ठीक है ना, आपका इंटरनेट नहीं हुआ, तो आप परेशान मत होइएगा। वीडियो लेक्चर्स आपको पता है अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, सर का नंबर अवेलेबल है, तो आपको कहीं भी लगे तो आप पूछ लिया करिएगा कि सर ऐसी ऐसी बात है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे, मैंने जितने आइडेंटिटी वगैरह पढ़ाया था सब यूज होगा आपके कोर्स में, ठीक है ना। ट्राई कर रहे हैं 4th नंबर ट्राई कर रहे हैं क्या आप लोग? क्वेश्चन नंबर 4 आप 4 ट्राई कर रहे हैं क्या? देखा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए एक बार, चाहे आए चाहे ना आए, आई डोंट माइंड, ट्राई करिए सभी लोग, ठीक है, ट्राई करिए सभी लोग। आपको दे रखा है क्या x³ + y³ = 4xy ब्रैकेट में x + y, और आपको चाहिए क्या log x + y^3 की वैल्यू चाहिए, और जो कि आपको यहां ऑप्शंस दे रखा है, ठीक है ना। मैं एक काम करूंगा, मेरे को एक बात समझ में आ गया, जैसे ये log x + y^3 है, तो मेरे को एक आइडेंटिटी आना चाहिए मेरे बेसिक नॉलेज से कि x + y^3 जो होता है वो आपको यहां देखता हूं विजिबिलिटी, यहां पे आप देखो x + y^3 मुझे तुरंत याद आना चाहिए, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y, इस फॉर्मूले का, इस आइडेंटिटी का इस क्वेश्चन में यूज है, ठीक है ना। कैसे है वो आप करना, अभी वही तो करना है, वही तो आपको करना है कि कैसे यूज है, ठीक है ना, वही आपको यूज करना है कि कैसे उसका यूज है। आप देखिए ठीक है ना, किसी और को बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है क्या वॉइस सुनने में, किसी को और को प्रॉब्लम हो रही है क्या? वैभव आप देख लीजिए बच्चे, मेरा वाईफाई है तो कनेक्शन अच्छा है, आप नहीं देख लीजिए आपको सिग्नल कुछ इशू होगा। किसी और को कोई टेक्निकल इशू है क्या बच्चे? टेक्निकल इशू मतलब हाँ नहीं है ना, चलो। तो कभी कभी आपको खुद भी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे, क्योंकि जब तक दोनों लोगों का सिग्नल अच्छा नहीं हुआ सुनाई नहीं देगा, तो आप प्लीज आपको चेक कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्या किया, x³ + y³ और प्लस, पहले ये गिवन क्या था, इक्वल टू 4xy ब्रैकेट में x + y, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहां पे, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y, दोनों साइड ऐड करूंगा इक्वेशन 1 में, ये वाला टर्म दोनों साइड ऐड करूंगा। अब कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो आप देखते जाइए, ये दोनों साइड में ऐड करना चाहता हूं, यहां पे क्यों ऐड करना चाहता हूं आपको अभी समझ में आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 4xy ब्रैकेट में x + y और प्लस 3xy ब्रैकेट में x + y, ये
ये पहले इक्वेशन में जो गिवन था उनमें दोनों साइड ये ऐड कर दिया, अब ये वाला लेफ्ट साइड एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, राइट साइड फोर एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, फोर प्लस थ्री सेवन एक्स वाई। तो ये तो हो गया अभी तक, यहां तक किसी को डाउट होगा ही नहीं। फिर से समझिए, जो गिवन था उसमें मैंने दोनों साइड थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई एड किया, क्यों किया? बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, अगर ये वाला टर्म मिल जाए तो ये एक्स प्लस वाई क्यूब का होल क्यूब मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लॉग एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लॉग सेवन एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, मतलब जो गिवन था लॉग एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यहां पर ये वाले टर्म पे इस वाले टर्म के जगह ये सेवन एक्स वाई रख दिया, जो हमने ऊपर से फाइंड आउट किया, वहां से ऊपर से हमने फाइंड आउट किया, वो यहां पे रख दिया। क्यों रख दिया वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड कर दीजिए, लॉग सेवन एक्स वाई एक्स प्लस वाई, तो ये प्रोडक्ट वाले प्रॉपर्टी से लॉग सेवन लॉग एक्स लॉग वाई प्लस लॉग एक्स प्लस वाई, मतलब चार डिफरेंट टर्म था ना, वन टू थ्री फोर, तो सब सम हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऑप्शन के देखते हुए, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? अभी फोर्थ वन हो गया। बड़ा टफ क्वेश्चन था सर, टफ कुछ भी नहीं था बच्चे, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। हमको लॉग एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना था। मेरे दिमाग में ये एक्सप्रेशन देखा, फिर मेरे को ये दिखा कि अगर यार इसमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, अगर 3xy मिल जाता तो मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया तो मुझे x प्लस वाई का होल क्यूब मिल जाता, और ये 4 प्लस 3 7, क्योंकि ऑप्शन में log 7 है, मैं आगे तक सोच सकता था। अब यहाँ पे x प्लस वाई होल क्यूब वैल्यू में रख दीजिए एक्सप्रेशन में, तो हमें मिल गया log 7 एक्स वाई एक्स प्लस वाई, तो log 7 प्लस log x प्लस log y प्लस log x प्लस y, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, किसी को डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। किसी को डाउट है तो अदरवाइज यस, अदरवाइज नो, ठीक है ना। कि कैसे बना क्वेश्चन, ये सोचना जरूरी है बच्चे। और आई रिक्वेस्ट यू, आप जो भी क्वेश्चन अविनाश सर डिस्कस कर रहे हैं घर पे, आज उसको आप दोबारा सॉल्व करिएगा। होमवर्क तो एक अलग चीज है, होमवर्क तो आपको अटेम्प्ट करना है, वो बने चाहे ना बने, लेकिन कम से कम जो क्वेश्चन बनाया है क्लास में वो तो 100% आपको समझ में आना ही चाहिए, ठीक है ना। अपने से बिना सोल्यूशन देखे उसको ट्राई करना है, ठीक है। हो गया, किसी बच्चे को डाउट है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं, यस आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, दिस समझ में आ गया बच्चे? सेकेंड स्टेप देखो ना, यहाँ पे मैं को ये चीज इक्वेशन वन में दोनों साइड यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूं, इन इक्वेशन वन ऐड थ्री एक्स वाई बोथ साइड, इन इक्वेशन वन ऐड थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बोथ साइड। क्यों बोथ साइड ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो पता है, हमें थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई मिल जाता तो ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो जाता है, इसलिए दीपाली बच्चे यहाँ पे थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई दोनों साइड ऐड कर रहे हैं। समझ में आप आया बात, समझ में आया? अभी बहुत सी चीजें बतानी है इसमें, स्टेप बाय स्टेप सुनते जाओ, शॉर्टकट और कॉन्सेप्ट, बहुत से कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम चैप्टर में, बट एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है, एक एक चीज आपको करके मैं बताता जाऊंगा, ठीक है ना। चलो अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आइए, ट्राई करिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिए, इफ log x अपॉन log y इक्वल टू log 49 अपॉन log 7 देन द रिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब ट्राई टू रिमूव द log टर्म इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, दैट्स इट। log को हमको रिमूव करना है कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में। अभी बहुत बेसिक क्वेश्चंस हो रहे हैं बच्चे, ये चीज आप समझिए,
अभी तो ये अभी सिंपल से क्वेश्चंस हो रहे हैं अभी, बस मेरा मतलब मकसद ये है कि आप प्रॉपर्टीज को यूज करना यूज टू हो जाए, प्रॉपर्टी को यूज करना यूज टू हो जाए, एंड दैट्स व्हाई वी आर मूविंग विद द स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, एक बच्चा सोच सकता है कि लॉग वाले टर्म हमको डिमिनिश्ड करना है क्योंकि ऑप्शन में एक्स वाई टर्म दे रखा है, कैसे? अच्छा एक चीज और है कि सर आप मुझे ऑप्शन से बता दो, मैं ऑप्शन से भी सॉल्व करके सिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी मेरा मकसद है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आए। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? जब तक समझ नहीं आएगा तब तक मैथ्स में परफेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, log x अपॉन log y इक्वल टू log 49 अपॉन log 7, ठीक है ना। मैं अभी बताता हूं, अभी तब तक log x अपॉन log y, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट भी होगा, वो चीज से समझते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए मुझे एक बात, जैसे 49 देखा मुझे एक ही बात याद आई, 7 स्क्वायर अपॉन log 7, फिर बेसिकली मैंने यहां पे क्या कर दिया, log x अपॉन log y, और ये क्या हो जाएगा 2 log 7 अपॉन log 7, ठीक है ना। अब ये पता है ना आपको, जब 7 स्क्वायर है तो आगे 2 आ जाएगा, अब ये log 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू 2 log y। अब यहां पे एक और काम करेंगे, यहां तक आपको समझ में आएगा। अब यहां पे एक काम करेंगे, उसका वाई से वर्सा यूज करेंगे कि जब भी पावर वैसा होता है, देखो log x इक्वल टू log y का स्क्वायर, मतलब ये जो 2 है मैंने यहां पे ऊपर कर दिया, क्यों कर दिया अभी आपको बताता हूं। ये कर सकते थे कि नहीं, क्योंकि log y स्क्वायर 2 log y हो जाएगा, तो 2 log y स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यों करेंगे, क्योंकि अब मेरा एक कॉन्सेप्ट आगे यहां पे आ रहा है बच्चे, और वो क्या है कि log x इक्वल टू log y स्क्वायर, log x इक्वल टू log y स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, log log डिमिनिश्ड हो जाएगा। अब ये नहीं कि log log कैंसिल कर दोगे x इक्वल टू y स्क्वायर, इसका मतलब यहां पे एक कॉन्सेप्ट देखिए छोटा सा बेसिक, कि log x इक्वल टू log 10, तो log x इक्वल टू log 10 ये कब होगा, जब यहां पे x इक्वल टू 10 होगा। अब ये नहीं कि log log कैंसिल कर देंगे x इक्वल टू 10 होगा, मैथमेटिकली रॉन्ग है। ये कहोगे कि log x इक्वल टू log 10, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 10। इसी तरह से log x इक्वल टू log y स्क्वायर, तो ये log log डिमिनिश्ड हो जाएगा, तो x इक्वल टू y स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ये है क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। जैसे मुझे ये आया, मेरे को दिमाग में आया कि log हटाना है, और log तब हटाना है जब इक्वेट करा दोगे, तो मैंने log 49 को लिखा 7 स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, लॉग लॉग कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी से। एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अब कहोगे सर जो मैंने तो दूसरे तरीके से किया, मैं भी आपको दूसरा तरीका बता सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको ये चीज बताया, एक साथ में एक ही बात बताऊंगा, एक ही तरीका, नहीं आप कंफ्यूज बहुत होंगे। और ये कॉन्सेप्ट है हमेशा याद रखना कि लॉग एक्स, लॉग एनीथिंग इक्वल टू लॉग एनीथिंग, मतलब एनीथिंग इक्वल टू एनीथिंग, तभी वो दो टर्म इक्वल है। समझ में आया कि नहीं, दो टर्म इक्वल। अभी भाई मैंने बोला कि मेरी एज का कोई और लोग है, वो तब होंगे जब मेरी एज के इक्वल होंगे, एग्जैक्टली तभी ना। अब मुझसे एक साल छोटे होंगे तो फिर मेरी एज का क्या हुआ, log x इक्वल टू log y स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू y स्क्वायर होगा, तभी तो log ये दोनों टर्म इक्वल होगा। समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़े कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं बच्चे, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो, दोबारा बताएंगे, 10 बार बताएंगे, जब तक नहीं आएगा तब तक बताएंगे। समझ में आया ना, बट समझ में आना चाहिए। और मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चे, एक हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा, वो कॉन्सेप्ट भी समझते जाना है, तभी आप नए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं। अब जैसे ये लॉग वैल्यू सेम है तो पावर इक्वेट, ये वैल्यू इक्वल है तो आर्गुमेंट, मतलब ये इक्वल टू ये हो जाएगा, लॉग लॉग डिमिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है ना। हर मोमेंट पे एक कॉन्सेप्ट होता है, और उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ध्यान से क्वेश्चन के एक्सप्लेनेटरी पार्ट को सुनना है, ठीक है ना।
इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, तभी आप जाके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में? उदय आपको डाउट है? विराज डाउट है? बताइए हाँ या ना, रिप्लाई करिए। मनीष, अब सभी लोग पूछा करूं तो सभी लोग रिप्लाई कर दिया करिए, जिससे कि क्या होता है, मैं इंश्योरेंस हो जाता हूं, श्योर हो जाता हूं कि आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अदरवाइज आई विल रिपीट वंस अगेन, बच्चे डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। चलो शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और डिस्कस हो जाएगा आज की क्लास में। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा क्वेश्चन के साथ, मतलब एवरी क्वेश्चन कंसिस्टिंग अ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट इन ऑल टाइम, सो दैट वी हैव टू केयरफुल विद द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द दे आर डूइंग विद दैट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली दैट वी आर यूजिंग इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। चलिए डू इट, ट्राई एवरीवन, कम ऑन, हरिया फास्ट, चलिए ट्राई करिए सभी लोग, ठीक है ना। Let's talk about the question number 2, 6 number. This is a 2 log x plus 4 and this is the log 16. Either you can do one more thing, bachche, you can use the option, because what we have to do that, we have to find out the value of x. Do try one thing and just put the value of x, option rakke. But that is the shortcut methods. ठीक है ना, but I want from your side ki you should know the concept also. ठीक है ना, बिकॉज वंस वी मूविंग विद द कॉन्सेप्ट ऑल्सो इट विल टेक अ शॉर्टर टाइम टू फिनिशिंग दिस क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 2 घंटा लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है ना। चलिए डू ट्राई एवरीवन, कम ऑन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 2 है, ऊपर चला जाएगा, क्यों ऊपर चला जाएगा, क्योंकि लॉग लॉग डिमिनिश हो जाएगा, क्यों डिमिनिश हो जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए और ऑप्शन में भी लॉग नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, ये 2 पर चला जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अब लॉग लॉग डिमिनिश हो जाएगा, अभी क्वेश्चन में बताया लॉग लॉग डिमिनिश हो जाएगा, मतलब x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 60। नाउ द लॉग टर्म इज गोइंग टू कैंसिल आउट, ये तो सिंपल अलजेब्रा हो गया 7th 8th क्लास 9th क्लास का। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। अब आप देख रहे हो आपके बेसिक्स यूज हो रहे हैं, जितना भी पढ़ाया था मैंने, दिस इज गोइंग टू कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये x इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा, 1/1 टर्म इज गोइंग टू बिकम 0। तो आपको क्या लगेगा ब्लाइंडली, चलो पहला ऑप्शन, ब्लाइंडली पहला ऑप्शन यही बच्चा सोचेगा ना। और ऑप्शन देखो वो चला कितने एग्जामिनर, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, बट नहीं, आपको चेक भी करना पड़ेगा वो एक्स की वैल्यू कहीं वो फंक्शन को डिफाइन कर रहा है कि नहीं। अब यहां पे देखो कुछ बच्चों के डाउट्स थे, मैंने कहा यहां पे क्लियर होगा, देखिए अब यहां से दैट वी हैव टू चेक इट आउट वेदर, ये आंसर नहीं अभी कह सकते हैं, वी कैन नॉट से डायरेक्टली। अब एक्स की वैल्यू 0 आई तो पुट इन दिस इक्वेशन, आपके एक्सप्रेशन में पुट करिए 2 log 0 प्लस 4, मतलब 4 इक्वल टू लॉग 16, इज इट इक्वल टू, हाँ log 16 equal to log 16. So we can say that 0 is the answer for this question. लेकिन 0 है तो क्या minus 8 भी है, चेक करना पड़ेगा। 0 है तो क्या minus 8 भी है, minus 8 रख के देखो। So ये 2 log minus 8 plus 4 equal to log 16. ठीक है ना, तो ये 2 log minus 4 equal to log 16. अब ये log minus 4 possible होगा क्या, लॉग नेगेटिव में होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए ये 8 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, माइनस 8 पॉसिबल नहीं है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। अब एक और डाउट आपको आएगा, ठीक है ना, यहां पे 0 नहीं आता है लेकिन यहां पे हमको लॉग, देखो पहले वैल्यू सुनो, एक्स की वैल्यू हमने 0 रख के देखा, ध्यान से सुनिएगा, एक्स की वैल्यू हमने 0 रख के देखा तो हमें मिल गया लॉग वैल्यू, सेटिस्फाई कर दिया सही, एक्स की वैल्यू माइनस 8 रख के देखा तो ये माइनस 4 मिला, अब ये इक्वल टू 16 आ गया, तो मतलब ये इसके इक्वल नहीं, क्योंकि लॉग डिफाइन ही नहीं है, और डिफाइन नहीं है तो एक्स की वैल्यू लेंगे ही नहीं। अब एक और डाउट आएगा कि सर ये 2 ऊपर लेके चले जाओ,
तब तो ये 16 हो जाएगा ना, तो डिफाइन हो जाएगा। मैं कहूंगा वो ले जाना वो एक अलग बात है, इनिशियली वो डिफाइन है कि नहीं है, इनिशियली वो डिफाइन है कि नहीं है वो देखना है। ऐसा नहीं बच्चा मेरे से डाउट क्या पूछता है, सर आप कह रहे हो माइनस 8 डिफाइन नहीं है, क्यों आपने कहा माइनस 4, आपकी बात में दम है सर, ठीक है ना। अब मैं 2 को ऊपर लेके चला जाऊं तो लॉग माइनस 4 की पावर 2, अब तो लॉग 16 इक्वल टू 16 हो जाएगा ना सर, तो आप माइनस 8 को ले लो। मैंने कहा नहीं जी, क्योंकि इनिशियली फंक्शन तो ये दे रखा था ना, एक्सप्रेशन इसके फॉर्म में दे रखा था ना बच्चे, पावर के फॉर्म में नहीं दे रखा था, इसलिए माइनस 8 डिफाइन नहीं है। इसलिए आंसर क्या होगा, ओनली फोर्थ ऑप्शन 0। ये है क्वेश्चन, ये है लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। अब बताइए किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं डाउट है मत पूछिए, ठीक है। बताइए बच्चों, डाउट है तो यस, नहीं है तो नो। ये चीजों को समझना बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये चीजों को जब तक समझ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग फॉर द एनी स्कूल एंड एनी कॉलेज एग्जाम, वी आर लुकिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एंड द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वॉन्ट्स द कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स बेसिक्स। चलो किसी बच्चे को डाउट, एनी बडी, कि सर मैंने माइनस 8 की वैल्यू आपकी बात नहीं समझ में आई, 0 समझ में आ गए। अच्छा एक और डाउट आता है कभी कभी, सर लॉग में तो 0 नहीं होगा, 0 कहाँ है, 0 प्लस 4 है, पूरा 4 वैल्यू है ना, सिर्फ लॉग 0 होता तो नहीं डिफाइन होता, x इक्वल टू 0, 0 प्लस 4 है ना, आर्गुमेंट x प्लस 4 है ना बच्चे, यहाँ ठीक है ना, ये बात समझ नहीं आई, लॉग 16 तो लॉग लिखा है तो नहीं, नहीं वैसे कैंसिल नहीं कर सकते। एक बार मिसाल मैं आपको डाउट बता दूंगा, ठीक है, अभी मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं। टू लॉग कैंसिल हो जाएगा, लॉग लॉग कैंसिल नहीं होता है बच्चे, मैंने आपसे पहले भी बोला था लॉग लॉग। आप एक बात बताओ, अच्छा आप, मैंने आपसे कहा कि बच्चों ना मैंने किसी आपके जैसा कोई बच्चा देखा तो वह एग्जैक्टली सेम होगा तभी तो हम कहेंगे, वही वाली चीज है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो वो कह रहा है कि log x इक्वल टू log 7, तो x इक्वल टू 7 होगा तभी log x इक्वल टू log 7 होगा, x इक्वल टू 7, तो log log वहां हट जाता है, x इक्वल टू 7, ये भी नहीं log log कट देगा, x इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, आगे भी क्वेश्चंस है, डाउट है तो मुझे एक बार वीडियो भी देख लीजिए, उसके बाद भी डाउट है तो मुझसे पूछिएगा।